टाइगर 3 के ट्रेलर की एक सीन पे इमरान हाशमी भाई साहब कहते हैं, टाइगर ये खेल दिमाग का है, हाथों का नहीं। इसका शॉर्ट एंड सिंपल मीनिंग बताना है तो हर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर में नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग के अंदर है। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तभी कैलकुलेटर काम करेगा। और एग्जैक्ट सेम यही सिस्टम रिपीट हो रहा है टाइगर 3 मूवी में, जहां दिमाग के रोल में है इमरान हाशमी का कैरेक्टर और कैलकुलेटर के रोल में है टाइगर का कैरेक्टर। ऐसे ही इस मूवी का ओवरऑल प्लॉट एक माइंड गेम है, जहां दिमाग काम करेगा तो कैलकुलेटर भी चलेगा और कैलकुलेटर चलना बंद हो गया तो दिमाग घूम जाएगा। और इन दोनों के बीच में कैलकुलेटर दबाने वाली उंगलियां इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस का रोल निभा रहे हैं, जहां उंगली कभी ऊपर कभी नीचे। थोड़ा सा आसान भाषा में बताना है तो टाइगर 3 मूवी में इमरान हाशमी एज विलेन अपने दिमाग के साथ उंगलियों का इस्तेमाल करके टाइगर को नचाएगा। बचपन में वो कठपुतली नृत्य तुमने देखा ही होगा, वैसे ही टाइगर को इमरान हाशमी का कैरेक्टर नचाएगा। क्योंकि हम सब ना चाहते हुए भी कुछ काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा मजबूरी है। तो यहाँ पर बात को समझो, टाइगर का कमजोरी उसका फैमिली है, वो जितना ही देश के लिए खुद को कुर्बान कर दे फैमिली के बिना वो कुछ नहीं है। तो इस फैमिली वाले एंगल को होल्ड पर रख के ट्रेलर के कहानी के डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो हम इजीली इस मूवी के बेस को पकड़ सकते हैं। क्योंकि भाई वैसे भी ट्रेलर में देशभक्ति वाला एंगल ना के बराबर देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेलर में जो चलता है उसका 75% टाइगर का पर्सनल मैटर है, क्योंकि टाइगर खुद कहता है कि आई नीड यू फॉर मिशन, पर रॉ के लिए नहीं, मैटर पर्सनल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, टाइगर के साथ इमरान हाशमी के कैरेक्टर का दुश्मनी अपने अपने मुल्क से कनेक्टेड है, यानी इंडिया पाकिस्तान वाला सिलसिला। पर इमरान हाशमी टाइगर को टॉर्चर करके फैमिली एंगल से उसे कमजोर बना के ये साबित करना चाहता है कि देश को बचाना मतलब अपनी फैमिली को बचाना नहीं है बल्कि दूसरे देश के फैमिली को बर्बाद करना भी है। और इसी वजह से ट्रेलर में इमरान हाशमी कहते हैं कि टाइगर तूने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मतलब इमरान हाशमी का कहानी प्रोबेबली टाइगर जिंदा है मूवी के बाद का कहानी है, जहां टाइगर अपने किसी मिशन में कामयाब होने के लिए अनफॉर्चुनेटली इमरान हाशमी का कैरेक्टर एक पाकिस्तानी एजेंट होने के दौरान वॉर में वो अपना फैमिली खो देता है। और इसी वजह से इमरान हाशमी का कैरेक्टर रिवेंज लेने के लिए वापस आया है, वो भी फुल तैयारी के साथ, जो कि एक दिमाग का खेल है। क्योंकि हम सब ने देखा है कि टाइगर अपने गुप्त रॉ एजेंट की एक्सपीरियंस से बहुत से मिशन को सक्सेसफुल किया है, पर इस बार उसका मिशन उसे मेंटली इफेक्ट करेगा। बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चिल्लाएगा, मारेगा, रोएगा और कुछ वक्त के लिए तो हार भी मान लेगा। और इसी वजह से टाइगर 3 मूवी का ये डायलॉग टाइगर के पर्सनैलिटी के साथ रिजेंबल करता है कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। अबे यार लगता है मैंने तुम्हें मूवी ही स्पॉइल कर दिया। नहीं यार, इससे ज्यादा मूवी के प्लॉट के बारे में डिस्कस करूंगा तो मूवी स्पॉइल हो सकता है भाई। नहीं भाई, तुम्हारे मूवी के एक्सपीरियंस खराब करने का कोई भी इरादा मेरा नहीं है, पर दूसरे एंगल में एक्सपीरियंस को बूस्ट करने के साथ साथ अपने एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाना है तो मैंने ट्रेलर से कुछ ऐसे डिटेल ढूंढ निकाला है जिनको देखकर या सुनकर तुम बोलोगे आहा भाई क्या दे दिया तूने। नहीं, कोई पर्टिकुलर शॉट के डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा बल्कि मूवी के थीम वाइज कुछ सरप्राइजेस की बात करूंगा जो मूवी देखते टाइम हमें मिल सकता है। जैसे तुमने देखा ही होगा बॉलीवुड के ज्यादातर मूवीज अपने मूवीज के ट्रेलर में फैशन और मॉडलिंग को हाईलाइट करने के लिए मूवी के ट्रेलर के अंदर गान घुसा देते हैं, जो चीज मूवी के बारे में सीरियसनेस और इंपॉर्टेंट चीजों को लूज कर देता है। भाई नाच गाना तुम्हारे पास है तो भाई अलग से डालना, मूवी में दिखाना ठीक है, ट्रेलर में डालने की क्या जरूरत है भाई। भाई एक मूवी का ट्रेलर उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वहां पे कचरा मत करो यार। रिसेंटली हमारे और एक टाइगर ने तो कुछ ऐसा ही किया है। खैर इसी वजह से टाइगर 3 का ट्रेलर मुझे और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि एक सिंगल सॉन्ग से अच्छा वो टावल वाला सीक्वेंस है। नेक्स्ट डिटेल है मूवी का डायरेक्टर, जिसने लिटरली सबको सरप्राइज करके रख दिया। शाहरुख खान की फैन और रणवीर सिंह की बैंड बाजा बाड़ा जैसे फैमिली ड्रामा मूवी बनाने वाले डायरेक्टर मनीष शर्मा अपने लाइफ में ये फर्स्ट एक्शन थ्रिलर बना रहे हैं, वो भी टाइगर 3 जैसा माल। भाई बंदे ने अभी तक एक्शन थ्रिलर जॉनर में काम क्यों नहीं किया, मैं तो वही सोच रहा हूँ भाई। भाई ट्रेलर के एक्शन सीक्वेंस के एग्जीक्यूशन को देखकर लगता है इन्होंने सिद्धार्थ आनंद के लेवल को मैच कर लिया है। इमेजिन करो एक 10 साल पुराने फ्रेंचाइज में तुम्हें काम दे दिया जाता है और तुम्हें बता दिया जाता है कि हर एक चीज पे वो 10 साल पुराने वाला नॉस्टैल्जिया वापस लेकर आओ, पर तुम्हारे पास उस फ्रेंचाइज में काम करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो तुम चीजों को कैसे समझ के एग्जीक्यूट करोगे
सोच कर देखो भाई, डायरेक्टर मनीष शर्मा ने वो चीज किया है, टाइगर जैसे कैरेक्टर का पर्सनैलिटी समझ के उसके दुनिया वाइज वर्ल्ड बिल्डिंग करना, उसके पर्सनल लाइफ को एक्सप्लोर करना, पिछले दो मूवी से ओवर द टॉप एक्शन सेट पीसेस क्रिएट करना एंड एंड में एक यूनिवर्स को हैंडल करके बाकी कैरेक्टर्स को अटैच करना बहुत बड़ी बात होता है भाई और बहुत रिस्क का काम होता है। पता नहीं क्यों टाइगर 3 मूवी में लोग भाई का ही तारीफ किए जा रहे हैं, डायरेक्टर भाई इतना बढ़िया डायरेक्टर है उनको अंडररेटेड ही रख दिया भाई। खैर बाहुबली मूवी रिलीज होने के बाद भी प्रवास का बहुत तारीफ हुआ था, पर RRR मूवी में सबसे ज्यादा तारीफ मिला है SS राजामौली को। बाकी तुम समझदार हो समझ जाओ। नेक्स्ट डिटेल वो है टाइगर का इमोशनल एंगल। भाई टाइगर 3 मूवी में नॉस्टैल्जिया तो काफी दूर की बात है। रिसेंटली एटली कुमार ने जवान के द्वारा SRK के पोटेंशियल को जैसे निचोड़ लिया है, मतलब SRK के एक एक लुक और कैरेक्टर्स को इतना क्रेजी आइकॉनिक अप्रोच देकर उसे रेडी करना अपने आप में ही एक यूनिक चीज है और उसे देखकर मजा आ जाता है। भाई इंडस्ट्री के लीड एक्टर्स को निचोड़ के काम निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, वो साउथ का डायरेक्टर है इसलिए उसने कर लिया और SRK ने भी उसको खुद के हाथ में छोड़ दिया था और मुझे लगता है यही चीज बहुत हद तक टाइगर 3 में सलमान खान ने किया है। हाँ हमारे भाई ने बाकी डायरेक्टर्स को भी अपना पोटेंशियल यूज करने का चांस दिया था, पर फराद नोलन सामजी जैसे डायरेक्टर थोड़ी उनका सही इस्तेमाल करेंगे, पर यहाँ पर मनीष शर्मा ने भाई का असली इस्तेमाल किया है। यहाँ पर भाई का वो चिल्लाना बता देता है कि टाइगर का कैरेक्टर कितना ज्यादा मुश्किल में है। देखकर फील हो जाता है कि ये बंदा सलमान खान नहीं बल्कि टाइगर है। ये फ्रस्ट्रेट होते हुए कांपना, टाइगर को इतना तकलीफ होते हुए देखना हम सबने शायद ही एक्सपेक्ट किया था। हम सबने भाई के पिछले मूवीज को लेकर बहुत मजाक मस्ती किया है इंक्लूडिंग मी, पर भाई ने हम सबके मुंह पे ताला लगा के हमें बता दिया है कि चुप टाइगर आ गया। नेक्स्ट डिटेल इमरान हाशमी, जो कि अपने आप में ही इस मूवी का 40-50% है, क्योंकि बंदा टाइगर को गद्दार साबित करके उस पे डोमिनेट कर रहा है। भाई टाइगर ने उसके जाल के सामने हाथ उठा के घुटने टेक दिया है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया से भाग रहा है। इससे ज्यादा एक मूवी के मेन विलेन का पोटेंशियल क्या हो सकता है? इमरान हाशमी शुरू से इंडस्ट्री के अंदर एक अंडररेटेड एक्टर है, कहीं पर कुछ हुआ तो ये बंदा हमेशा ही चुप रहता है और इसी वजह से इनका विलेन अवतार आतिशबाजी की तरह हमें सरप्राइज कर सकता है। वैसे भी टाइगर 3 का प्लॉट एक माइंड गेम है तो ऑब्वियस सी बात है टाइगर के लेवल को इमरान हाशमी आसानी से बीट कर दे। ट्रेलर में कहानी के डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो मिनिमम हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर मिनिमम तो इंटरवल के पहले टाइगर से मिट नहीं करने वाला। टाइगर को फंसाएगा, तरपाएगा, रुलाएगा, तब बंदा सामने आए। तो ऑब्वियस सी बात है इस मूवी में टाइगर का चैलेंजेस बहुत हार्ड होने वाला है और ऑडियंस का हार्ट बीट धक 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 और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो इन लाइन लास्ट एक्साइटमेंट पठान का कैमियो, जो कि मेरा तुक्का तो नहीं है पर मैं कह सकता हूँ इस ब्रिज के अंदर पठान का कैमियो हमें देखने को मिल जाएगा, जहाँ मुझे लगता है कि टाइगर ब्रिज से बिना पैराशूट के गिरेगा और पठान आके उसको बचा लेगा और यहाँ पर पठान और टाइगर मिलके थोड़ा सा सिचुएशन को हैंडल करेगा, स्टेबल करेगा, पठान निकल जाएगा। बाकी तुम क्या सोचते हो पठान का कैमियो कब और कैसे हो सकता है? क्या इससे ज्यादा टाइगर 3 के ट्रेलर में तुम्हें और कुछ भी डिटेल मिला तो कमेंट में जरूर बताना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर कर लूंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइक करोगे तभी वीडियो और अधिक लोगों के पास जाएगा। कर देना यार, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी करो और भी वीडियोस आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।